इस वीडियो में हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और फिर हर एक कैटेगरी को हम वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स हाउ मैनी सबऑर्डिनेट्स और इंप्लॉयज अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यह है कि एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट्स को या कितने वर्कर्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है। यहां पे वर्ड इफेक्टिवली और एफिशिएंटली बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने इंप्लॉयज को या कितने वर्कर्स को एक मैनेजर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है, इसे हम कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ सुपीरियर कैन कंट्रोल और हैंडल इफेक्टिवली, कि एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है या उनको हैंडल कर सकता है, इसे कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत सारे इंप्लॉयज काम करते हैं और हर मैनेजर के अंडर उतनी ही मैन पावर होनी चाहिए जितनी मैन पावर को वो इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। अगर एक मैनेजर के अंडर बहुत ज्यादा मैन पावर दे दी जाए और वो उसको इफेक्टिवली मैनेज ना कर पाए तो इससे ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं होती। तो ह्यूमन रिसोर्सेज की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने के लिए एक मैनेजर के अंडर हमेशा लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होते हैं और एक मैनेजर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स या कितने वर्कर्स होने चाहिए, इसे हम कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप स्किल्स है, अगर एक मैनेजर की लीडरशिप स्किल्स अच्छी होंगी तो वो बहुत ज्यादा इंप्लॉयज को मैनेज कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास लीडरशिप स्किल्स अच्छी नहीं है और आप उसको बड़ी टीम दे देंगे तो वो डेफिनेटली उनको इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाएगा। ऐसे मैनेजर के अंडर लिमिटेड टीम मेंबर होने चाहिए। कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर, हर इंडिविजुअल की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितने लोगों को मैनेज कर सकता है। इसी तरह मैनेजर भी एक इंसान है और उसकी भी एक कैपेसिटी है कि वो कितने लोगों को मैनेज कर सकता है। तो हर मैनेजर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही उसके अंडर मैन पावर होनी चाहिए, ना उससे ज्यादा होनी चाहिए ना उससे कम होनी चाहिए। डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है वो कितनी डिसेंट्रलाइज्ड है, मैनेजमेंट के पास डिसीजन मेकिंग पावर है या नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास है, ऐसी अप्रोच को हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में नीचे वाली मैनेजमेंट के पास डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी नहीं होती। तो जब मैनेजर के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है तो वो ज्यादा लोगों को मैनेज नहीं कर सकता, उसके अंडर हमेशा कम इंप्लॉयज होने चाहिए। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन है, मैनेजर को डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी दी जाती है, तो तब आप एक मैनेजर को ज्यादा मैन पावर दे सकते हैं। नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के लिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का है तो ऐसे केस में एक मैनेजर के अंडर ज्यादा मैन पावर नहीं दी जाती क्योंकि उनकी जॉब चैलेंजिंग है और कॉम्प्लेक्स है, तो मैनेजर ज्यादा इंप्लॉयज को मैनेज नहीं कर पाएगा। अगर जॉब ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है तब एक मैनेजर के अंडर ज्यादा मैन पावर दी जा सकती है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की दो इंप्लीकेशंस होती हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिटरमिन करता है कि मैनेजर की जॉब की कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल क्या है। अगर एक मैनेजर के अंडर ज्यादा मैन पावर होगी तो उसकी जॉब कॉम्प्लेक्स होगी, लेकिन अगर उसके अंडर कम इंप्लॉयज है तो उसकी जॉब लेस कॉम्प्लेक्स होगी। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिटरमिन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की नेचर और स्ट्रक्चर को डिटरमिन करता है कि अगर एक मैनेजर के अंडर ज्यादा मैन पावर होगी ना तो ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्कीकल लेवल्स कम होंगे, लेकिन अगर एक मैनेजर के अंडर कम मैन पावर होगी तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर हायरार्कीकल लेवल्स ज्यादा होंगे। इसको हम आगे डिटेल के साथ स्टडी करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड द सेकंड वन इज वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यह है कि एक मैनेजर के अंडर लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हैं। एक मैनेजर स्मॉल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करता है या कंट्रोल करता है। ऐसा जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है ना उसे हम कहते हैं नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कि एक मैनेजर के अंडर लिमिटेड सबऑर्डिनेट्स हैं,
एक मैनेजर लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स को मैनेज करता है या कंट्रोल करता है। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा, मतलब एक मैनेजर के अंडर बहुत कम मैन पावर होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्किकल लेवल्स ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक इंडिविजुअल है, इसके अंडर ये इंप्लॉयज काम करते हैं, इसके अंडर फिर ये इंप्लॉयज काम करते हैं, और इनके अंडर ये इंप्लॉयज काम करते हैं। और अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत ज्यादा इंप्लॉयज काम करते हैं, तो जितने ज्यादा इंप्लॉयज होंगे ना, उतने हायरार्किकल लेवल्स ज्यादा होते जाएंगे, क्योंकि एक मैनेजर के अंडर बहुत कम मैन पावर होती है। तो नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हायरार्किकल लेवल्स ज्यादा होंगे, ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा ना, उसे हम कहते हैं टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यह है कि एक मैनेजर या एक सुपीरियर बहुत ज्यादा वर्कर्स या बहुत ज्यादा सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करता है। ऐसा जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है, उसे हम कहते हैं वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कि एक मैनेजर के अंडर या एक सुपीरियर के अंडर बहुत ज्यादा सबऑर्डिनेट्स होते हैं या बहुत ज्यादा वर्कर्स होते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा, तो हायरार्किकल लेवल्स कम होंगे। वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यह है ना कि एक मैनेजर बहुत ज्यादा इंप्लॉयज को मैनेज करता है, तो आपको बहुत ज्यादा लेवल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, ये एक इंडिविजुअल है, इसके अंडर ये मैन पावर काम करती है और इनके अंडर ये वाली मैन पावर काम करती है, तो एक मैनेजर के अंडर या एक सुपीरियर के अंडर बहुत ज्यादा मैन पावर होती है, जिसकी वजह से हायरार्किकल लेवल्स कम हो जाते हैं। ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब हम फ्लैट और टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का कंपैरिजन करते हैं। यह है टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यहां पे नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है। यह है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यहां पे वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए या वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, यह डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की नेचर किस तरह की है, ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस किस तरह का है, ऑर्गेनाइजेशन का काम किस तरह का है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट है उनकी लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं, उनकी मैनेजमेंट स्किल्स कैसी हैं। ये चीजें डिटरमिन करती हैं कि आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कितना होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।